कक्षा 4 के ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। जैसे कि मैं आपको गणित विषय का अध्ययन करा रहा हूँ और गणित में हम लीटर और मिलीलीटर के ऊपर सवालों को हल कर रहे थे, तो आज हम लीटर और मिलीलीटर की गुणा के सवालों को हल कैसे किया जाता है वो देखेंगे। तो देखिए, गुणा तो हम जैसे सामान्य तौर पर करते हैं वैसे ही करनी है आपको। तो इसमें देखिए, सबसे पहले 65 लीटर 324 मिलीलीटर को आपको 45 से गुणा करनी है। तो इसमें देखिए, दोनों इकाइयां अलग अलग है, लीटर और मिलीलीटर। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले केवल मिलीलीटर की संख्या को ही गुणा करेंगे, लीटर को एक बार ऐसे ही जगह पर रहने देंगे। तो सबसे पहले मिलीलीटर को, तो 324 मिली को 45 से गुणा करनी है। तो सबसे पहले हम किससे गुणा करेंगे, 5 से। किसको करेंगे, 4 से। तो 5 से 5, 5 दो 10, 5 तीन 15, 5 हो के 20। तो 20 का कितना आया, 0। असल रह गई 2। फिर 5 को किससे करेंगे, 9 से, 2 से। 5 से 5, 5 दो 10। अब 10 में कितने दौड़ेंगे, 2। तो 10 के बाद में 11, 12। तो 12 का 2 असल रह गई 1। फिर 5 को किससे करेंगे, 3 से। 5 एकम 5, 5 दो 10, 5 तीय 15, कितना 15। अब 15 में असल कितनी जोड़नी है, 1। तो 15 एक 16। फिर पहले अंक के नीचे इंटू का चिन्ह और हासिल जो आपने लिखी आप उसको मिटा दीजिए। अब 4 से गुणा करनी है। तो सबसे पहले 4 को किससे गुणा करेंगे, 4 से। तो 4 एकम 4, 4 दो 8, 4 तीय 12, 4 चौक 16, 16 का 6 असल रह गई 1। फिर 4 को किससे करेंगे, 2 से। तो 4 एकम 4, 4 दो 8, 8 के अंदर कितना दौड़ेंगे, 1। तो 8 एक 9। अब 4 को किससे गुणा करेंगे, 3 से। 4 एकम 4, 4 दो 8, 4 तीय 12। अब इसको जोड़िए, देखो 0। 6 में कितने जोड़ने हैं, 2। तो 7 और 8, 9 में कितने जोड़ोगे, 6। तो 9 के बाद में 10, 11, 12, 13, 14, 15 और ये हसल रह गई 1। 1 रेख 2, 2 में 2 जोड़ो, 3 और 4 और 1, यानी 14,580। अब ये 14,500 से क्या आया, मिली। तो अब आपको पता है कि 1000 मिली में, यानी 1000 मिली से 1 लीटर बनता है। क्या बनता है, 1 लीटर। तो इस मिली को लीटर में बदलने के लिए हम 1000 का क्या लगाएंगे, भाग लगाएंगे। क्या लगाएंगे, भाग लगाएंगे। मिलीलीटर को लीटर में बदलने के लिए हम 1000 का क्या लगाएंगे, भाग। तो इस 14,580 में हम 1000 का भाग लगाएंगे। तो सबसे पहले देखिए, 1448, तो सबसे पहले कितनी बार भाग जाएगा, एक बार, 1000। फिर हम भाग में घटाएंगे, नीचे 0,0 है तो घटाने पर वापस वही संख्या आएगी, 8, 5, 4 और 1 में से 1 गया 0। फिर इसे हम यहाँ उतार देंगे, 4,580। अब 4,000 आ रहा है तो 1,000 के अंदर भाग लगाएंगे, 4,000 कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा, 4,000 आएगा। शेष बचा 0, 8 और 5। अब भाग नहीं जाएगा, ये आपका 580 रह गया शेष। अब ये जो शेष बचा है ये आपका कहलाएगा मिली। क्या कहलाएगा, मिली। और जो भागफल के अंदर आया है ये कहलाएगा लीटर। क्या कहलाएगा, लीटर। अब आपके मिली लीटर के भाग, ये गुणा की प्रक्रिया पूरी हो गई। इसमें हमें मिली लीटर निकल गया, लीटर निकल गया। अब आपको किससे गुणा करनी है, 65 लीटर से। तो वही 45 की गुणा हम 65 से करेंगे। तो सबसे पहले 5 को 5 से गुणा, 5 एकम 5, 5 दो 10, 5 छः 15, 5 चौके 20, 5 पंद्रह 25, 25 का 5 असल रह गई 2। फिर 5 को किससे करेंगे, 6 से।
तो पाँच एकम पाँच, पाँच दूनी दस, पाँच छः पंद्रह, पाँच चौके बीस, पाँच छंग तीस, पाँच छंग तीस। तो तीस में कितने तोड़ेंगे हम, दो, इकतीस, बत्तीस। फिर इनटू का चिन्ह और हासिल मिटाई। अब किससे गुणा करेंगे, चार से, चार का पड़ा पाँच बार, चार एकम चार, चार दूनी आठ, चार चौक सोलह, चार एकम चार, चार दूनी आठ, चार छः बारह, चार चौक सोलह, चार पंजे बीस, बीस का जीरो, हासिल रह गई दो। फिर पाँच चार एकम चार, चार दूनी आठ, चार छः बारह, चार चौक सोलह, चार पंजे बीस, चार छंग चौबीस। चौबीस में कितना जोड़ेंगे, दो, पच्चीस, छब्बीस। अब हम इसकी कर देंगे जोड़, तो पाँच दो का दो, छः तीन नौ और दो का दो, तो हमारे पास आया 2925 मिलीलीटर। अब इसके अंदर देखिए 14 लीटर हमारे पास पड़ा है, इस 14 लीटर को हम इस लीटर में जोड़ देंगे। तो देखिए पाँच और चार नौ, दो एक तीन, नौ का नौ और दो का दो, ये हो गया लीटर। तो इस गुणा का जो हमारा आंसर हुआ वो आया 2939 लीटर 580 मिलीलीटर, जो कि हमारा आंसर है, जो कि हमारा आंसर है। अब इसी प्रकार से हमारा जो दूसरी गुणा है उसे हल करना है, उसे हल करना है। तो हमारा दूसरी गुणा है 234 लीटर 425 मिलीलीटर, इसको गुणा करनी है आपको 6 से। तो सबसे पहले वही केवल मिलीलीटर को गुणा करेंगे, पहले 6 का पड़ा 5 बार, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 ती 18, 6 चौक 24, 6 पंजे 30, 30 का 0, हासिल रह गई 3। फिर 6 को किससे करेंगे, 2 से, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 12 में कितने जोड़ेंगे 3, 13, 14, 15, 15 का 5, हासिल रह गई 1। फिर चार को किससे करेंगे, छः से, छः कम छः, छः दूनी बारह, छः ती अठारह, छः चौक चौबीस, चौबीस में एक जोड़ा 25। फिर पहले अंक के नीचे इनटू और हासिल मिटा देंगे। फिर किससे करेंगे हम, दो से, तो दो को पाँच से किया, दो पंजे 10, 10 का 0, एक रह गया। फिर दो को दो से किया, दो दूनी 4, फिर दो को चार से किया, चार दूनी 8, अब किया टोटल 0, 5, 5 चार 9, 8 2 10, तो संख्या बनी 10950। अब वापस बात वही, ये जो संख्या आई है ये किसकी आई है, मिलीलीटर की। अब इस मिलीलीटर को आपको लीटर में बदलना है, तो हम क्या करेंगे, 1000 का भाग लगाएंगे, तो 10950 में 1000 का भाग। तो सबसे पहले 1095, तो पहले 1000 कितनी बार जाएगा, एक बार, संख्या 5900, एक जीरो बच्चा हुआ पीछे, वो हमने यहाँ उतार दिया। तो 950 तो हज़ार से छोटा होता है, तो भाग लगेगा नहीं, तो भाग टूट गया, तो हम यहाँ पर क्या लगा देंगे, जीरो, और ये आपका शेष रह जाएगा 950। अब जो शेष बचा वो आपका हो गया मिली, भागफल में आया वो हो गया आपका लीटर। तो मिलीलीटर की क्रिया खत्म हो गई। अब आपको क्या करना है, लीटर को गुणा करनी है 26 से। तो वही बात, पहले 6 का पड़ा 4 बार, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 ती 18, 6 चौके 24, 24 का 4, 2 बच गया। फिर 6 को 3 से करनी है, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 ती 18, 18 में 2 जोड़ो 19, 20, 20 का 0, 2 बच गया। फिर 6 को 2 से किया, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 12 में 2 जोड़ा 13, 14। फिर इनटू हासिल मिटाई, अब किससे गुणा करनी है, 2 से, तो 2 चौके 8। फिर 2 को 3 से किया, 2 दिया 6, और 2 को 2 से किया, 2 दूनी 4, जोड़ किया 4, 8, 6 में कितने जोड़ेंगे, 4, तो 7, 8, 9, 10, 10 का 0,
असल रह गई एक, एक रेक दो, दो के अंदर चार जोड़ेंगे तो छः, तो लीटर की टोटल आई 6084। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास लीटर बचा हुआ है, इस लीटर को हम इसमें जोड़ देंगे तो चार का चार, आठ एक नौ, जीरो छः, यानी 6094। तो इस गुणा का जो आंसर हुआ हमारा वो हुआ 6094 लीटर 950 मिली, 950 मिली जो कि आपका आंसर है। तो इन सवाल को आपको इसी प्रकार से हल करना है कि दो सवाल कॉपी में उतारिए, फिर इसी प्रकार के अन्य सवालों को हल करने का अभ्यास कीजिए। अब हम इंग्लिश विषय का अध्ययन करेंगे। अंग्रेजी के अंदर मैं आपको आज फील इन द बॉक्सेज विद ए एन और द का प्रयोग सिखाऊंगा। इसके नियम मैं आपको पहले करवा चुका हूँ। देखिए आगे खाली स्थान दे रखे हैं, पीछे मीनिंग दे रखे हैं। अब यहाँ पर इनमें ए आएगा, एन आएगा, द आएगा, उसका आपको ध्यान से समझ के इनको भरना है। तो जैसे मैंने आपको बताया था पहले कि जैसे ये पाँच वर्ड्स होते हैं ए ई आई ओ यू, ये इंग्लिश में क्या कहलाते हैं, वोवल्स कहलाते हैं, और जिनको हम हिंदी में बोलते हैं स्वर। क्या बोलते हैं? स्वर। अगर किसी मीनिंग का पहला अक्षर इन पांचों में से कोई एक है तब तो आपको उसके आगे क्या लिखना है, एन लिखना है। क्या लिखना है? एन लिखना है। और अगर इन पांचों में से कोई नहीं है, इनको छोड़कर कोई है, तब आप क्या लिखोगे, ए लिखोगे। क्या लिखोगे? ए लिखोगे। अब द का प्रयोग, द का प्रयोग जैसे बताया था वो दिशाओं के नाम से पहले, कोई वस्तु एक ही होती है उसके नाम से पहले, वस्तुओं के नाम से पहले, उनसे पहले क्या आता है, द का प्रयोग। तो देखिए सबसे पहले जो मीनिंग दे रखा है आपको एप्पल, ए डबल पी एल ई एप्पल। अब एप्पल का देखो पहला वर्ड देखो क्या है इसमें, ए। क्या दे रखा है? ए। और ए क्या होता है? वोवल्स होता है। अगर वोवल्स से कोई मीनिंग शुरू होता है तो हम किसका प्रयोग करते हैं, एन का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ मैंने लिख दिया ए एन एन, यानी एन एप्पल। फिर दूसरा है ओ एक्स ऑक्स। अब इसका भी देखिए क्या शुरू हो रहा है, ओ, और ओ क्या होता है, वोवल्स होता है, तो इसको भी शुरू करेंगे हम एन से, तो हमने फिलअप कर दिया एन। अब आ रहा है चेयर, कुर्सी। कुर्सी क्या है? एक वस्तु। तो इसमें ए नहीं आएगा, एन नहीं आएगा, क्या लिखेंगे हम, द चेयर। क्या लिखेंगे? द चेयर। चौथा मीनिंग पिकॉक, यानी मोर। पिकॉक भी क्या होता है, मोर। अब देखिए ये क्या शुरू हो रहा है, पी से। पी इन पांचों में नहीं है, तो इन पांचों में अगर कोई मीनिंग नहीं है तो उसको हम क्या बोलते हैं, कंसोनेंट बोलते हैं, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं व्यंजन। क्या बोलते हैं? व्यंजन। उससे कोई मीनिंग शुरू होता है तो उसका प्रयोग किससे करते हैं हम, ए से। तो यहाँ पर हम लिख देंगे ए, ए पिकॉक। फिर अगला है स्टार, तारे, यानी ये अपनी जगह पर स्थित है और एक ही है, तो हम यहाँ लिख देंगे द स्टार। एस यू एन सन, सन मीन सूर्य, ये भी एक ही है, प्रकृति का बना है, प्रकृति से निर्मित चीज़ों से पहले क्या लिखेंगे हम, द का, या तो अपने आप में एक ही हो, तो सन एक ही है तो द सन। फिर काउ, सी ओ डब्ल्यू काउ, काउ में क्या से शुरू हो रहा है, सी से, और सी क्या होता है, कंसोनेंट, वोवल्स नहीं होता है, तो इससे पहले ए का प्रयोग। फिर है एलिफेंट, एलिफेंट देखिए ई, और ये क्या है, वोवल्स, क्या है ये, वोवल्स, तो इससे पहले एन का प्रयोग, तो एन एलिफेंट। फिर ऑरेंज, अब ऑरेंज में भी देखिए ओ है, ओ क्या हो गया, वोवल्स हो गया, तो इसको जब यहाँ पे ऊपर फिलअप करेंगे तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, ए एन एन, एन ऑरेंज। फिर सी आर ओ डब्ल्यू क्रो, क्रो मीन्स क्या होता है, कोवा। अब इसका मीनिंग देखिए क्या है, सी से, और सी क्या है, कंसोनेंट, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, ए, तो ए क्रो। फिर ए एन टी एंट, एंट मीन्स क्या होती है, चिंटी। अब इसका मीनिंग देखिए ए से शुरू हो रहा है,
और ए क्या हो गया, वोवल्स हो गया, तो यहाँ पर हम किसका लिखेंगे, एन का प्रयोग। और अंत में है मून, मून क्या है, चंद्रमा यानी प्रकृति निर्मित, अपने आप में क्या है ये, एक ही है, तो यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे, द का, तो ये हो गया द मून। तो इनको हमने कॉपी में उतारिए और फिर स्वयं हल करने का अभ्यास कीजिए। धन्यवाद।